नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप दोस्तों सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक का काफी फैंटास्टिक क्रेडिट कार्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है दोस्तों एचडीएफसी मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये अपग्रेडेड वर्जन है एचडीएफसी मनी बैक क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पर दोस्तों प्लस लिख के इन्होंने अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर दिया। इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस लगभग लगभग सेम है दोस्तों, लेकिन बेनिफिट्स के मामले में प्लस वाला वेरियंट जो क्रेडिट कार्ड है काफी अच्छा है। इसमें आपको अच्छे खासे कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों आपको एक अच्छा शॉपिंग क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इस वीडियो कंटिन्यू एंड तक जरूर वॉच करिएगा, ताकि एक अच्छा शॉपिंग क्रेडिट कार्ड आप ऑप्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगी, चैनल पे यार फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसी अमेजिंग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको ऑफर्स चाहिए दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको अमेजिंग ऑफर्स वहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इसकी ज्वाइनिंग फीस मात्र 500 रुपए है, यानी कि 500 रुपए देखिए आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। रिन्यूअल फीस भी आपको इतनी ही देनी होगी। जैसे इस क्रेडिट कार्ड को आप ले लेते हैं सक्सेसफुली, और जैसे इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं दोस्तों, तो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 500 यहाँ पर कैश पॉइंट्स मिलते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें, यानी कि किन ब्रांड्स पे कितना यहाँ पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों मेजर जो ब्रांड्स है जैसे लाइक अमेजन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर हो गया और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको 10x कैश पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड ईएमआई स्पेंड पे भी आपको यहाँ पर कैशबैक देता है, यानी कि 5x कैश पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और अदर जितनी भी कैटेगरीज है उन सब पे दोस्तों अगर आप 150 रुपये भी खर्च करते हैं तो 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यार रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मान लीजिए आपने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए, लेकिन दोस्तों उनकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर मायने रखती है। वैल्यू अगर बहुत ज्यादा डाउन होगी तो यहाँ ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 25 पैसे इन्होंने रखी है, यानी कि 0.25 रुपीज यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू रखी है, जो कि मेरे हिसाब से एवरेज है, यानी कि ठीक ठाक है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है। तो एवरेज इन्होंने यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर रखी है। दोस्तों माइलस्टोन बेनिफिट भी आप अचीव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप शॉपिंग के ज्यादा स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे अगर 50,000 तक आप स्पेंड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपीज तक का एक ई गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और इस तरीके से दोस्तों आप पूरे साल भर में 2,000 रुपये तक के ई वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ डाइनिंग बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, यानी कि अगर आप बाहर खाना पीना करते हैं तो यहाँ पर आपको उस पर डिस्काउंट कितना मिलता है। तो दोस्तों इनकी मेजर पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं उन पे अगर आप यहाँ पर डाइनिंग के लिए जाते हैं तो अप टू 20% तक का आप डिस्काउंट कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे क्रेडिट कार्ड की जो 500 रुपये फीस है वो भी टोटली वेव ऑफ हो सकती है। अगर पूरे साल भर में आप 50,000 रुपये तक भी खर्च करते हैं तो वो टोटली वेव ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहे इस क्रेडिट कार्ड के मेजर बेनिफिट्स और फीचर्स। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इजीली वहां पर जाके सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी वो भी वहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन है। आप सारी डिटेल्स चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंटेन करना बेहद जरूरी है, उसके बगैर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता। तो दोस्तों जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर सारी डिटेल्स चेक करके आप डायरेक्टली वहीं से अप्लाई कर सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ।